यू भैया, आपका बहुत बहुत थैंक यू भैया। आप आए, आपने वीडियो देखा हमारा। हाँ जी बिल्कुल। और कौन से, दिल्ली द्वारका से आए हम। आपका नाम भैया? उमेश पांडे। उमेश पांडे, तो एक छोटा सा फीडबैक दो, किस तरीके से आपको वीडियो दिखी हमारी और कैसे हमारे पास पहुंचे यहाँ पर। हाँ, कार्लिवास पे कॉल करने से पहले जब मेरी भैया से बात हुई, उससे पहले मैंने करोल बाग की, जैसे कि सब करते हैं नॉर्मली, काफी रील्स देखी मैंने। उसमें हर बार मुझे यही बोला गया कि 70% 80% हम मारुति जैन में लगाएंगे, 70% देंगे 80% देंगे। बट जब मैंने भैया से बात की तब मैं समझ पाया कि करोल बाग में एक्चुअल में क्या स्कैम चल रहा है, किस तरीके से वो कस्टमर्स को बुलाते हैं और कैसे वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बिकॉज डाउन द लाइन जब हम आफ्टर सेल सर्विस की बात करते हैं, सपोर्ट की, हेल्प की, वो करोल बाग में नहीं है, क्योंकि वहां पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है। हर बंदा दो पैसा बचाने के लिए आपको अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा, और उसके बाद जो क्वालिटी दे रहे हैं, ऑब्वियसली मैन, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को 70% इनिशियली डिस्काउंट मिल जाए, लेकिन बाद में अगर आप उस चीज के लिए परेशान रहे, वो सेंस नहीं बनता है। तो मेरी भैया से काफी डिटेल में इस बारे में बात हुई है, भैया ने मुझे समझाया कि, और फिर उसके बाद मैंने उनके पास विजिट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कैसे काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है। तो प्रॉब्ली मतलब जब मैं गो थ्रू हुआ पूरी डिटेल्स के साथ, तब मुझे लगा कि शायद मेरा विचार सही है और भैया सही मैं बात करता हूँ। फिर जब मैंने यहाँ के काम करवाया तब मैंने देखा कि नहीं, एक्चुअली मैं वो डिफरेंस है। तो आज की गाड़ी हमारे पास आप देख सकते हैं, फ्रॉन्क्स का सिग्मा मॉडल, जिसके अंदर ये बेस टू टॉप गाड़ी भाई पूरी बन रही है। पूरी गाड़ी के अंदर बिल्कुल कोई काम नहीं था, ये गाड़ी एकदम ब्लैंक थी हमारे पास। फ्रंट के अंदर लाइट जो है वो येलो है, ऊपर कनेक्टेड DRL नहीं है इसके अंदर, और गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं मड फ्लैप भी नहीं है भाई, मड फ्लैप भी इसके अंदर नहीं लगे। साइड मिरर हमने फोल्डेबल इसके कर दिए, क्रोम हैंडल लगेंगे, रूफ रेल इसके एजेडिस रहेगी। पूरी गाड़ी का जो काम है वो डुअल टोन के अंदर बन रहा है भाई, ये पूरी जो है वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन बन रहा है। पूरी गाड़ी का काम एकदम आप देख सकते हैं बिल्कुल खुला पड़ा है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर लग गए, रिफ्लेक्टर की वायरिंग लटकी हुई है, ये भी इसके ऊपर कनेक्टेड हो जाएगी। CNG वाला मॉडल है ये, कनेक्टेड टेल लाइट के लिए हमने इसकी ये डिक्की खोली हुई थी, जिसके अंदर हमने कनेक्टेड टेल लाइट लगा दी यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा इसका इंस्टॉलेशन हो गया, डोर प्रॉपर खुले हुए हैं, डोर के अंदर ये प्रॉपर प्लग एंड प्ले तरीके से वायरिंग हो रही है इसकी। साइड मेरे फोल्डेबल के लिए इसके अंदर जो वायरिंग होती है ये प्लग एंड प्ले तरीके से करनी पड़ती है। यहाँ पर इसका फ्लोर खुला हुआ है, फ्लोर खुले हुए का रीजन कि इसके अंदर फुटस्टेप लाइट वाले लगेंगे। स्टीयरिंग खुला हुआ है, स्टीयरिंग के ऊपर नीचे का कंसोल आप देख सकते हैं आर्मरेस इसमें नहीं है। पूरी गाड़ी भाई एकदम ब्लैंक, बिल्कुल एकदम जैसे बॉडी शॉप की कोई गाड़ी हो भाई, उस तरीके की गाड़ी हो गई है। तो छत भी खुली हुई है, छत भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू। गाड़ी को भाई एकदम खोलना पड़ता है अगर आपको लग्जरी और नीट एंड क्लीन काम करवाना है, तो आपको आना है सेम कार्लिवास में। आज की गाड़ी हमारी सेम, जिसके अंदर हम लगा रहे हैं ओरा का सेटअप, ओरा का जो एंड्रॉयड है ये 100% बेस्ट एंड्रॉयड है, और पिछले चार साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ करा वो ऑडिप्लेक्स ओरा और मोटर जो है जो प्रोडक्ट है वो भी OEM सप्लायर है, ऑडिप्लेक्स OEM सप्लायर है, ओरा भी जो है ये मेड इन रशिया और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये। कंपोनेंट्स लगाए हमने यहाँ पर 632C, और जो पीछे कोएक्सल हमने यूज़ करे वो भी हमने 632 वूफर स्पीकर हमने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन करा, ये भी ओरा ब्रांड, ओरा जो प्रोडक्ट है ये मेड इन रशिया है और अपने आप में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सिस्टम मैंने लगाया सेम ओरा ब्रांड का, स्पीकर्स लगाए, पूरी गाड़ी एकदम भाई पूरी एकदम खुली हुई है ये, और काम हो रहा है सेम शेड के नीचे कार्लिवास, यहाँ से गाड़ी प्रॉपर रैम से ऊपर चढ़ती है, प्रॉपर पूरी गाड़ी का काम होना स्टार्ट हो जाता है। सारी चीज़ें प्लग एंड प्ले तरीके से होती हैं। सबसे बेस्ट पार्ट इस गाड़ी का भाई, जो चीज़ हम लगा रहे हैं वो सारी 100% मारुति के जेन्युइन पार्ट्स हैं ये, कोई डुप्लीकेट पार्ट मैं यूज़ नहीं कर रहा। हर पार्ट के ऊपर आपको MRP मिलेगी और सारे पार्ट्स आपको जेन्युइन मिलेंगे। मारुति का साइन, जेन्युइन पहचान इसकी, जो ये आगे DRL लगेगी ये भी मारुति का जेन्युइन पार्ट, स्टीयरिंग का पार्ट मारुति जेन्युइन, आर्मरेस्ट पड़ा वो मारुति जेन्युइन, साइड के मिरर मारुति जेन्युइन, मोस्टली जो 90% पार्ट्स हैं वो सारे मारुति जेन्युइन है, और सारे काम जो है यहाँ पर प्लग एंड प्ले तरीके से किए जा रहे हैं। सीट कवर की इंस्टॉलेशन हमारे आज बकेट सीट बनेंगी इसके ऊपर। शेड के नीचे भाई गाड़ी खड़ी होती है, कोई टूट फूट वाला कोई काम नहीं है यहाँ पर हमारे। डोर आप देख सकते हैं खुले पड़े हैं, इसके सीट्स बाहर निकली हुई हैं। एक गाड़ी हमारे पास ये भी रेडी हो रही है जिसको हम रेंज ओवर एडिशन बना रहे हैं। पूरी गाड़ी बिल्कुल खुली हुई है एकदम, नीचे की फ्लोरिंग का काम हो रहा है इसका, पूरी गाड़ी एकदम खुली हुई भाई, अभी छत बाहर निकली हुई है और पूरी गाड़ी का काम एकदम बेस्ट तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पर ये सीट कवर की फिटमेंट हो रही है, लूज कवर सही है, सेमी बकेट सीट कवर बन रहे हैं ये, इसकी भी फिटिंग आपको प्रॉपर मैं दिखा रहा हूँ। इस तरीके से भाई ये सीट कवर्स लग जाएंगे, पूरी गाड़ी का काम होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। काम आपने कराना है 100% बेस्ट तरीके से आपकी गाड़ी का काम होगा, और जो हम काम करेंगे वो मतलब मुझे जो काम कराना है वो मुझे कोई बाहर से टेक्नीशियन हायर नहीं करना, मेरे खुद के वेल मेंटेन स्टाफ है सारा।
पार्ट सारे आप देख सकते हैं मारुति के जेन्युइन नेक्सा के पार्ट्स हैं, और पूरी गाड़ी का काम जो हम कर रहे हैं यहाँ पर ब्लैक एंड ब्लैक तरीके से कर रहे हैं। पूरी गाड़ी जैसे रेडी हो जाएगी आपको फिर मैं जुड़ूंगा आपके साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तभी आपको चीज़ें पता चलेंगी मेरे बारे में, किस तरीके का मेरा काम है और हम कैसे यहाँ पर शेड के नीचे आपकी गाड़ी को अपनी समझ के काम करते हैं। सो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह फाइनली पूरी गाड़ी हमारी ये फ्रॉम्स वगैरह सिग्मा मॉडल प्रॉपर पूरा रेडी हो गया, और आज की जो मेरे पास गाड़ी है दिल्ली नंबर आप DL9CB देख सकते हैं। ये मैजिक ऑटो से गाड़ी आई है भाई, सेक्टर 9 में जो शोरूम है, नेक्सा का सबसे पहला शोरूम था सेक्टर 9 में। मेरी जॉब भी वही की थी, तो मैंने 8 साल अपने मैजिक ऑटो को दिए हैं, 12 साल इवन मैंने दिए हैं मैजिक ऑटो को। सो वहां से गाड़ी आई है, भैया ने मेरा प्लान, भैया ने मेरा वीडियो देखा था YouTube के ऊपर, कार्लिबास के चैनल के ऊपर। सो उन्होंने प्लान किया कि मुझे काम कराना है, यहाँ से कराना है। सो बहुत कट शॉर्ट में गाड़ी की वीडियो डालूंगा आज मैं। ये वाले पे हमने आज यहाँ पर DRL इंस्टॉल करी, जिसके अंदर इंडिकेटर भी आता है। अगर इसको मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर ये DRL इसकी ऑन हो जाती है। नॉर्मल के अंदर इसके जो लाइट्स है वो सब दाएं बाएं भी पड़ी हुई है, और वो भी आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से इसके अंदर लाइट्स आती है, कैसे वो हमने मतलब मेन जो है वो इसके अंदर ये वाली लाइट्स हैं, वो हर एक को आज की डेट में मालूम है कि इसके ऊपर जो लाइट होती है ये DRL वाली लाइट्स है जो ये रिप्लेस हो जाती है। यहाँ पर इसके ऊपर एक क्रोम का पार्ट लगाया, ये भी एक सुजुकी नेक्सा का जेन्युइन पार्ट है ये, और लुक्स वाइज बहुत स्मार्ट लगता है। यहाँ पर हमने इसके ऊपर LED यूज करी, LED हमने यूज करी वो 240 वॉट की हमने भाई इसके ऊपर यूज करी है, 9005 नंबर जो इसके ऊपर आप लगाया। पहले लगता था 9012 नंबर, तो पता नहीं कंपनी ने क्यों इसको चेंज कर दिया, 9012 से 9005 में कन्वर्ट कर दिया इसको। सो ऊपर का सीक्वेंस, नीचे का सीक्वेंस भाई सुपर क्लास है, इसकी रोशनी का जो जो इसका थ्रो है वो भी बहुत सुपर क्लास आने वाला है। गाड़ी की लुक्स आपको कैसी लग रही है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साइड प्रोफाइल के अंदर कोई मेजर काम नहीं था, फ्रंट प्रोफाइल के अंदर दो ही ये काम थे। साइड प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर इंडिकेटर लगे हुए थे, इंडिकेटर को हमने निकाला और इंडिकेटर निकाल के हमने इसके ऊपर ये इसको बंद कर दिया, जिसको हम साइड वेंट बोलते हैं। यहाँ पर ये इसके ऊपर हमने साइड मिरर्स के चेंज कर दिए। जैसे गाड़ी को रिमोट से लॉक करूंगा ये फोल्ड हो जाएगा, जैसे रिमोट से अनलॉक करूंगा ये अनफोल्ड हो जाएगा। साथ में इस गाड़ी में हमने सिक्योरिटी किट भी हमने यूज करी, सिक्योरिटी किट का फंक्शन ये है, जैसे गाड़ी को रिमोट से लॉक करेंगे लॉक पे एक बार ही आवाज करेगी ये, और अनलॉक करूंगा तो ये दो बार ही अनलॉक पे आवाज करेगी। इसको अपने आप एड्रेस पे मंगाना चाहो बिल्कुल मंगा सकते हैं, इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो फ्री है कंपनी की तरफ से, 2750 रुपए का ये पार्ट लगता है। इसकी बॉक्स आती है, RD कंपनी का प्रोडक्ट है, जिससे लॉक अनलॉक पे आवाज करता है, तो ये एक पता भी चल जाता है गाड़ी मेरी लॉक हो गई और अनलॉक हो रही है तभी मुझे पता चल जाता है, पार्किंग में मेरी गाड़ी है तो उसमें भी पता चल जाता है। साइड के जो हमने शीशे चेंज करे वो सिर्फ 11,000 रुपए लिए, साइड के जो शीशे चेंज करे स्ट्रेट, इसके ऊपर जो मैनुअल शीशे आते हैं उसके अंदर इंडिकेटर नहीं आता, यहाँ पर इंडिकेटर आता है, तो उसका पर्पज था इंडिकेटर का प्रोसेस हमने हटा दिया और इसको यहाँ पर हमने ये लगा दिया फेंडर गार्निश। साइड प्रोफाइल बिल्कुल रेडी हो गई, डोर वाइजर हमने इसके ऊपर लगाया, डोर वाइजर जो लगाया ये ब्लैक फिनिश के अंदर लगाया, क्योंकि भैया का जो थीम थी वो ब्लैक एंड व्हाइट की थीम थी, ब्लैक एंड व्हाइट के हिसाब से पूरी गाड़ी का काम किया हुआ है। रूफ रेल इसमें कंपनी फिटेड ब्लैक आती है, डोर वाइजर हमने लगा दी, ये वाली विंडो फ्रेम पे हमने कोई काम नहीं किया। यहाँ पर हमने डुअल टोन के अंदर इसके ऊपर क्रोम हैंडल लगा दी, जिसके अंदर अभी देख सकते हैं जो अंदर वाला पार्ट है ये बिल्कुल ब्लैंक है और नया कंसेप्ट है, बहुत अच्छी चीज इसके ऊपर ये प्रॉपर लगा दी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डोर गार्ड हमने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन कर दी है, डोर गार्ड का पर्पस गाड़ी का जैसे ही कई बार दरवाजा खोलते हैं साथ में दीवार होती है, दीवार होने पे ये जो है पार्ट टच हो जाता है तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर लगाया जाता है ये। यहाँ पर हमने विंडो डोर वाइजर लगाया, ये वाले पार्ट हमने लगा दिए, यहाँ पर इसके ऊपर डोर गार्ड लगा दिया। अंदर भगाओ थोड़ा सा यार, शोर मचा था भाई इसीलिए थोड़ा सा अवॉइड कर दिया मैंने। सो क्रोम हैंडल हमने इसके ऊपर लगा दिए, यहाँ पर ये डोर गार्ड हमने इसके ऊपर लगा दिए। बैक प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर जो इसके ऊपर लाइट लगती है वो नॉर्मल आती है, सिर्फ रिफ्लेक्टर होता है और रिफ्लेक्टर को उतार के हमने यहाँ पर आज करंटली DRL हमने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन कर दी, जो किसी सीक्वेंस को प्रॉपर पूरा इक्वल कर देता है। यहाँ पर हमने ये वाले पार्ट्स लगाए, जो पार्ट्स इसके ऊपर हमने लगाए ये रिफ्लेक्टर हमने यूज करा इसके ऊपर, ये यहाँ पर आप प्रॉपर पूरा देख सकते हैं। ये यहाँ पर हमने इसके ऊपर कॉर्नर प्रोटेक्शन के लिए बम्पर कॉर्नर हमने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन कर दिया, रेड कलर की थीम थी तो उसी के हिसाब से रेड कलर का ये हमने इसके ऊपर लगा दिया, ये जिसके अंदर कार्बन का भी फील आप देख सकते हैं, ये भी नेक्सा का जेन्युइन पार्ट है। इसको सिमेट्री करने के लिए ये प्रॉपर हमने करेक्टली टेल लाइट हमने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन कर दिया, जिसको प्लग एंड प्ले तरीके से उतारा, प्लग एंड प्ले तरीके से प्रॉपर पूरा वापस लगा दिया। रिवर्स की सेफ्टी के लिए हमने ये गार्ड इसके ऊपर इंस्टॉलेशन करा, स्कूटर बाइक से प्रोटेक्शन प्रॉपर इसको मिलती है, जो गाड़ी की
पूरी गाड़ी को बचाता है। बैक से अगर कोई स्कूटर बाइक होती तो हिट नहीं होगा इसके ऊपर, और गाड़ी का जो बम्पर आपका प्रॉपर पूरा सेफ है। गाड़ी का काम हो रहा है सेम कार्ले बस स्टैंड के नीचे। गाड़ी आपकी कोई धूल मिट्टी में नहीं खड़ी हो रही, कहीं रोड साइड पे नहीं है जिससे आपकी गाड़ी में कोई स्क्रैच आए या कोई डोर खराब हो। सो बैक प्रोफाइल सेम जिसके अंदर हमने करेक्टली टेल लाइट लगाई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने इसके ऊपर रिवर्स में कैमरा इंस्टॉलेशन कर दिया, क्योंकि वो भी होल करके प्लग इन पे तरीके से प्रॉपर इसको लगाया जाता है। इसकी भी फिट फिनिश बिल्कुल 00 मैच। यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगे, पीछे का ये गार्ड लग गया, कैमरा लग गया, रियर कनेक्टेड टेल लाइट लग गई, इससे बैक की जो है लुक्स प्रॉपर पूरे स्मार्ट हो गई। फ्रंट का दिखाया प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल दिखाई, बैक प्रोफाइल दिखाई। ये वाला जो पार्ट है वो 1500 रुपए का है, और इसके ऊपर जो ये लगाया 1850 रुपए की रेंज में। ये वाला पार्ट हमने लगाया 4600 रुपए की रेंज में, 1250 रुपए के रिफ्लेक्टर लगाए, 7500 रुपए की हमने ये कनेक्टेड टेल लाइट इसके ऊपर यूज करी, 7500 रुपए में इसको प्रॉपर हमने फिटिंग करके प्रॉपर पूरा दिया। साइड प्रोफाइल के अंदर जो मैंने शीशे लगाए, साइड मेरे फोल्डेबल किया, उसकी वायरिंग हमने डाली, रिले स्विच डाला। यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमने इसके ऊपर स्विच भी इसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया। ये वाले स्विच को हमने इंस्टॉलेशन करी, इसकी वायरिंग हार्नेस डाली और प्लस साइड के शीशे हमने करे 11000 रुपए इसके लिए। ये वाले चार हमने हैंडल डाले 900 रुपए इसके लिए। 7000 रुपए की रेंज में हमने ये पावर विंडो की जो प्लेट्स है इसको कार्बन कर दिया। ये भी जो है ये पार्ट जनवल है नेक्सा का, रिप्लेस करना पुराना उतारा नया लगा दिया इसके ऊपर। यहाँ पर इस वाले पार्ट के अंदर ये वाला पार्ट भी इसी के साथ आता है, इसकी फिट फिनिश इसकी लुक्स बहुत स्मार्ट लगती है। इस वाले पार्ट्स को हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर हमने स्टीयरिंग के ऊपर लेदर रैप कर दिया, जो कि हमने इसको इसके साथ वाइन के साथ प्रॉपर पूरा मैच कर दिया। ये डार्क कलर है, थोड़ा सा ये लाइट कलर है, सिमेट्री इसकी स्मार्ट लगती है। स्टीयरिंग के अंदर कंट्रोल सिग्मा मॉडल में नहीं आते, सिग्मा के अंदर हमने 3500 रुपए की ये स्टीयरिंग लगाए, जिसके अंदर हब लगाया 750 रुपए हमने फिटिंग के लिए। सो इसको भी प्लग एंड प्ले तरीके से प्रॉपर लगा दिया, कोई वायरिंग डैम्परिंग इसमें नहीं हुई। स्टीयरिंग का जो कवर लगाया है 1850 रुपए का, ड्राई लेदर में हमने यूज करा, जिसका फिट फिनिश आप देख सकते हैं, कहीं से भी वही थ्रेड वर्क ऐसा लेफ्ट राइट नहीं जा रहा, कहीं से ये वाला पार्ट है कोई इसमें खुल नहीं रहा, कोई इसके ऊपर नहीं जा रहा, पूरा स्टीयरिंग खुलता है, प्रॉपर नया लगता है इसके ऊपर। ये स्पीकर्स मैंने कंपोनेंट्स आपको दिखाए वो हमने ऑरा के लगाए थे, रिवर्स का कैमरा हमने ऑडियो फ्यूल का लगाया था, सिस्टम जो मैंने लगाया वो हमने इसके ऊपर 2GB RAM 64GB वाला ऑरा का हमने इसके ऊपर सिस्टम लगाया, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस है। रिवर्स का कैमरा अल्ट्रा क्लियर है, प्रॉपर बिल्कुल 00 इमेज में वो प्रॉपर पूरा दिखता है। ये ऑटो इसका कनेक्टेड हो जाएगा एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो में प्रॉपर पूरा, ये वायरलेस है तो ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, इसमें थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन नहीं है। जैसे मैंने इसका ब्लूटूथ ऑन किया ये प्रॉपर एकदम से कनेक्टेड हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑटोमेटिकली नेविगेशन आ गया। यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे तो इसके ऊपर हमने आज यहाँ पर ऑटो IRVM सेफ हमने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन करा। वही तो अपने मोबाइल की लाइट चलाना एक बारी। इस वाले को पार्ट को हमने आज यहाँ पर ऑटो में कन्वर्ट कर दिया। जैसे इसके ऊपर मैं कोई पीछे से जैसे गाड़ी के अंदर लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने के बाद ये जो शीशे का कलर है देखो आप, ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो गया ये। सो इसका यही फंक्शन है, जब आप गाड़ी रात को चला रहे हो और कोई गाड़ी के पीछे से रिफ्लेक्शन आता है तो उसको ये प्रॉपर बिल्कुल टिंट कर देता है, और जैसे गाड़ी की लाइट हट जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये इसका कलर चेंज हो गया। सो ऑटो IRVM का फंक्शन ये होता है, हुंडई गाड़ी में कमरे फेटेड आता था पहले, हमारी मारुति गाड़ियों में भी ये कमरे फेटेड आता है। यहाँ पर हमने क्यूबो का कैमरा लगाया 3K, जिसके अंदर फ्रंट और रियर की डायरेक्ट इमेज है, 24 आवर इसके अंदर रिकॉर्डिंग चलती है। मोशन सेंसर इसके अंदर एक्टिवेटेड है, जैसे ही कोई गाड़ी को हिट करेगा लॉक पोजिशन में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, तो रिकॉर्ड हो सकता है किस मतलब क्या मेरी गाड़ी के साथ हुआ था। सो वो इसके ऊपर प्रॉपर इसके ऊपर लगा दिया। यहाँ पर इसकी प्रॉपर आप इमेज देख सकते हैं। इसको हमने लगाया फ्रंट और रियर के कैमरे को 1850 रुपए में, 1850 में फ्रंट और रियर एन सीरीज का हमने लगाया, जिसकी आफ्टर सेल सर्विस के लिए हम पूरी जिम्मेदार हैं, कुछ कंप्लेंट आएगी तो पूरी सुनवाई है उसकी। ऑटो IRVM इसके ऊपर लगाया मैंने, 5850 रुपए लिए, जिसके अंदर प्लग एंड प्ले तरीके से वायरिंग हो गई इसकी। यहाँ पर हमने सनशेड लगाया, जैसे गाड़ी के अंदर ये शीशा इसको शेड को मैं ऑफ ऑन करूंगा, घुमाऊंगा इसको, ये लाइट ऑन हो जाएगी, जैसे इसको मैं बंद करूंगा ये लाइट बंद हो जाएगी। सो ऑन होने के बाद ये ऐसा दिखता है, ऑफ होने के बाद ऐसा दिखता है, ये ऑन हो गया ये ऑफ हो गया। 1485 रुपए का ये वाला पार्ट है, 1400 रुपए का ये वाला पार्ट है, लेफ्ट और राइट दोनों जगह में यहाँ पर इसमें ऑटो IRVM प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो गई। ऊपर आप देखेंगे भाई, फर्स्ट इन इंडिया वाला प्रोसेस हमने इसके ऊपर कर दिया आज, जो यहाँ पर हमने लगाया भाई सनग्लास होल्डर हमने इसके ऊपर प्लग एंड प्ले तरीके से लगा दिया। इसकी फिट फिनिश एकदम सुपर क्लास, 00 प्रॉपर फिटिंग, कहीं से कोई लूज वाला सिस्टम नहीं, कहीं से भी पूरी गाड़ी में आपको गैप नहीं दिखेगा, पूरी इसकी फिटिंग आप चेक कर सकते हैं, कहीं से भी कोई गैप नहीं दिखने वाला इसके अंदर, बिल्कुल 00 रूफ खोलने के बाद प्रॉपर लगता है ये।
पूरी 00 फिटिंग है भाई, कहीं से कोई आपको शेडो नहीं आ रही, कहीं से इसकी लाइट नहीं आ रही। नहीं तो अगर आप किसी और की गाड़ी में देखोगे तो जहां पर ये लगता है वहां पर प्रॉपर कोई लाइट दिखती है, तो ये यहां से पता चलता है कि उसके अंदर गैप है। सो अपने इस लाइट के अंदर कोई गैप नहीं है। चश्मा रखो, पूरी सील्ड है, कहीं से खुलने वाला सिस्टम नहीं है, एकदम 100% बेस्ट प्रॉपर लॉक पूरा किया हुआ इसको। 3,300 रुपए इसके हमने लिए, यहां पर इसके लाइट डाली उसको 440 रुपए हमने लिए, एक लाइट, दो लाइट, तीन लाइट। पूरी गाड़ी का काम प्लग एंड प्ले तरीके से प्रॉपर हो गया। यहाँ पर हमने जो सिस्टम लगाया है वो ओरा का फायरबॉल सीरीज, 2GB रैम, 64GB का हमने इसके ऊपर सिस्टम यूज करा। 14,500 रुपए इसकी कॉस्ट ली, जिसमें एप्पल कारप्ले वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस, रिवर्स का कैमरा, प्रॉपर पूरा वर्किंग है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ये जो सिल्वर पार्ट है इसको उतार के हमने कार्बन में कन्वर्ट कर दिया, जिस तरीके से ये वाला पार्ट है। सिस्टम का फ्रेम लगाया हमने ग्लॉस ब्लैक के अंदर, पियानो ब्लैक। पूरी गाड़ी की फिट फिनिश बिल्कुल आपके सामने। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नेक्सा वेजिंग के हमने इसके ऊपर फुटस्टेप लगाए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रनिंग बोर्ड को बचाना है तो यहाँ पर ये स्टील के हमने फुटस्टेप लगाए। सीट कवर्स रिंकल फ्री और एकदम प्लग एंड प्ले तरीके से, जिस तरीके से वायरिंग होती है 100% एकदम बेस्ट बकेट सीट कवर हमने इसके ऊपर यूज करे। इसकी भी फिट फिनिश एकदम बेस्ट है, पूरा जो इंटीरियर है उसके हिसाब से प्रॉपर पूरा मर्ज कर रहा है ये। आर्मरेस्ट इसके ऊपर लगाया, आर्मरेस्ट की कॉस्ट हमने ली 3,450 रुपए, 9,500 रुपए की रेंज में हमने सीट कवर्स लगाए। गियर की नॉब चेंज करी 3,350 रुपए में, वो भी प्लग एंड प्ले तरीके से, जिस तरीके से खुलता है प्रॉपर 00 फिटिंग हो जाता है। बैक की फिटिंग एकदम सुपर क्लास, एकदम बेस्ट। नीचे जो मैट्स लगाए वो 70 प्रीमियम हमने मैट यूज करे उसके ऊपर, जिसकी कॉस्ट ली 4,500 रुपए, 4,500 रुपए में आपके ये प्रॉपर प्लग एंड प्ले तरीके से लग गए। आगे की जो हमने ये DRL हमने यूज करी इसकी हमने लिए 13,600 रुपए, यहाँ पर ये प्लग एंड प्ले तरीके से लगाया। 7,600 रुपए में हमने ये इसकी DRL यूज करी, हेडलाइट के अंदर लाइट यूज करी, वो भी प्लग एंड प्ले तरीके से। जो नंबर इसके ऊपर लगना चाहिए वही नंबर इसको इंस्टॉल किया, कोई इसमें कोई और दूसरा नंबर हमने इंस्टॉलेशन नहीं करे इसका। गाड़ी सेम दिल्ली नंबर की जो गाड़ी है ये भाई दिल्ली द्वारका से हमारे पास आई है। सारे काम मैंने आपको प्लग एंड प्ले तरीके से दिखाए, किस तरीके से हमारी गाड़ी पे काम हुआ, क्या क्या उसके प्राइसेस हैं, सारी चीजें मैंने आपको बताई। किसी को लालच में मत जाना कि 70% का डिस्काउंट है, 80% का डिस्काउंट है। दो चार चीजों में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, उसके बाद का क्या होगा आपको नहीं पता। जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो आप गाड़ी में लगवाओ, जो चीजें रिक्वायरमेंट नहीं है गाड़ी में मत लगवाओ। तो जितना मैंने पार्ट्स लगाया वो 100% सारा मारुति का जेन्युइन है। शीशे लगाए मारुति जेन्युइन, आगे की लाइट्स लगाई मारुति जेन्युइन, पिछले की जो टेल लाइट हमने लगाई वो भी प्रॉपर पूरी मारुति जेन्युइन, ये प्रॉपर इसी तरीके से प्रॉपर पूरी पैक आती है। ये लाइट्स हमने करी 100% चेंज, साइड के शीशे लगाए, वो उसका बॉक्स पड़ा वो भी आप देख सकते हैं मारुति जेन्युइन। सारी चीजें जितने हमने लगाई सारी मारुति जेन्युइन लगाई, 99% इस गाड़ी के ऊपर सारा प्लग एंड प्ले तरीके से काम हुआ। सिर्फ फुटस्टेप है जो मेरी आफ्टर मार्केट की है, जो सीट कवर्स है वो मेरे आफ्टर मार्केट के हैं, और अदरवाइज इसके अलावा कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो नॉन जेन्युइन में लगा हो। सो थैंक यू भैया आपका बहुत बहुत थैंक यू भैया, आप आए, आपने वीडियो देखा हमारा। हाँ जी बिल्कुल। और कौन सी दिल्ली द्वारका से आए हम? आपका नाम भैया? उमेश पांडे। तो एक छोटा सा फीडबैक दो, किस तरीके से आपको वीडियो दिखी हमारी और कैसे हमारे पास पहुंचे यहाँ पर? हाँ, कार्लीवास पे कॉल करने से पहले जब मेरी भैया से बात हुई उससे पहले मैंने करोल बाग की, जैसे कि सब करते हैं नॉर्मली, काफी रील्स देखी मैंने, उसमें हर बार मुझे यही बोला गया कि 70% 80% हम मारुति जेन्युइन लगाएंगे, 70% देंगे 80% देंगे। बट जब मैंने भैया से बात की तब मैं समझ पाया कि करोल बाग में एक्चुअल में क्या स्कैम चल रहा है, किस तरीके से वो कस्टमर्स को बुलाते हैं और कैसे वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बिकॉज डाउन द लाइन जब हम आफ्टर सेल सर्विस की बात करते हैं, सपोर्ट की, हेल्प की, वो करोल बाग में नहीं है, क्योंकि वहां पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है। हर बंदा दो पैसा बचाने के लिए आपको अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा, और उसके बाद जो क्वालिटी दे रहे हैं, ऑब्वियसली मैन अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को 70% इनिशियली डिस्काउंट मिल जाए, लेकिन बाद में अगर आप उस चीज के लिए परेशान रहे, वो सेंस नहीं बनता है। तो मेरी भैया से काफी डिटेल में इस बारे में बात हुई है, भैया ने मुझे समझाया कि, और फिर उसके बाद मैंने उनके पास विजिट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कैसे काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है। तो प्रॉब्ली मतलब जब मैं गो थ्रू हुआ पूरी डिटेल्स के साथ, तब मुझे लगा कि शायद मेरा विचार सही है और भैया से ही मैं बात करता हूँ। फिर जब मैंने यहाँ के काम करवाया तब मैंने देखा कि नहीं, एक्चुअली मैं वो डिफरेंस है, वो काम का डिफरेंस है, क्वालिटी का डिफरेंस है, और जिस तरीके से भैया ने मुझे एक एक चीजें समझाई और बताया, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया, थैंक यू आपको बहुत बहुत थैंक यू। सो इसी तरीके से सारी गाड़ी हमारी प्रॉपर यहाँ पर रेडी होती है, और सेम शेड के नीचे जो एक प्लस पॉइंट है मेरे पास है गाड़ी का,
आपकी गाड़ी कोई रोड साइड पे नहीं खड़ी हो रही जहाँ पर आपकी गाड़ी के साथ कोई छेड़खानी हो, कोई डोर पे आपके स्क्रैचेस नहीं पड़ रहे, कोई सीट बाहर निकाली, कोई निशान नहीं पड़ रहा। सो इसी तरीके से प्रॉपर पूरी गाड़ी आपकी सेफ है, सिक्योर है और बेस्ट जगह पे आई हुई है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और नीचे लिखे मोबाइल नंबर है मेरे 9811632352 9999063352 आना है। सिर्फ आपको अपनी गाड़ी के लिए प्लान करना है, क्या क्या काम कराना है, सो उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी बैठा हूँ। सो मैं करता हूँ वीडियो को एंड। थैंक यू।